हेलो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलन इन एक्सपोनेंटल फॉर्म में हमें इसको एक्सपोर्डेंटल फॉर्म में लिखना एक्सपोर्नेंटल फॉर्म हमारा क्या था जैसे हमारा टू मल्टीप्लाई टू इंटू टू है तो टू कितनी टाइम है वन टू थ्री तो क्या हो जाएगा टू की पावर थ्री हो जाए इसका मतलब क्या है टू कितने टाइम हमारा थ्री टाइम तो ये पावर हो गई एक्सपोनेंट हो गया ये हमारा बेस हो गया तो इसको हमें किस में लिखना एक्सपोर्नेंटल फॉर्म में मतलब पावर्स में लिखना तो देखो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई कितनी बार वाई वन टू थ्री तो हम क्या करेंगे वाई और इसकी पावर कितनी हो जाएगी थ्री इसका मतलब क्या हुआ वाई हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा ओके okay. अब यहाँ देखो नाइन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई नाइन नाइन कितनी टाइम है वन टू थ्री फोर टाइम है तो नाइन की पावर कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी ये हमारा एक्सपोनेंट होता है ये हमारा बेस है ये पावर हम नाइन की पावर फोर मतलब फोर हमारी पावर है और ये क्या हमारा बेस है ओके okay. ऐसे देखो x x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई z और z देखो x x एक तरफ जाएगा y y एक तरफ जाएगा z z तो x कितना वन टू थ्री तो x की पावर थ्री मल्टीप्लाई y कितने टाइम है टू टाइम है तो y की मल्टी y की पावर टू क्योंकि y कितने बार टू टाइम है और z भी टू टाइम है तो z की पावर टू ओके हमें ऐसा नहीं देख सकते x की पावर y को इसके साथ नहीं रख सकते x के साथ ओके अब देखो सेवन सेवन टू टाइम है और थ्री कितने थ्री टाइम है तो सेवन की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर थ्री क्योंकि थ्री की पावर कितने टाइम है थ्री टाइम वन टू थ्री और सेवन हमारे कितने टू टाइम है तो ये हमारे क्या हो गए पावर हो गई ये हमारा बेस होता है ठीक है सेवन हमारा बेस हो गए पावर उसकी कितने टू है थ्री हमारा बेस हो गए और इसकी पावर थ्री है ओके अब देखो एन एन मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन तो कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव टाइम है तो हम कह सकते हैं एन की पावर क्या है फाइव है इसका मतलब क्या एन कितने मल्टीप्लाई हो रखा फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा ओके okay? तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं